हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है। और अभी देख सकते हैं मैं आई हूं पटना वुमेंस कॉलेज, यहां पे प्रियंका गुप्ता चाय वाली का स्टॉल है, सामने देख सकते हैं। तो यहां पे आई थी मैं उनसे मिलने के लिए, बट आज बंद है क्योंकि आज ईद है, शायद इसलिए भी बंद है, मुझे पता नहीं था। मुझे तो ये पता था कि बस संडे को बंद रहता है, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं है, मुझे लौट के जाना पड़ेगा। और देखती हूँ फिर वापस आती हूँ, अब कल या परसों में आऊँगी। तो आज तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, चलिए मैं उनका स्टॉल दिखा देती हूँ। देखिए उनका स्टॉल है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब चाय का दाम लिखा हुआ इधर। और आज बंद है, मेरा टाइम ख़राब था, मैं आ गई और बंद है। चारों तरफ का लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, कुछ लोग भी यहाँ आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए, तो उन्हें भी लौट के जाना ही पड़ेगा। आप लोग भी ब्लॉग बनाने के लिए आए थे क्या? आज बंद है क्यों? ईद के लिए बंद है, उनको लगा संडे को सिर्फ बंद रहता है, तो आज खुला होगा। ऐसे भी तो चाय बेचती हैं, तो मतलब भीड़ रहता है, देखते हैं हम, लेकिन बंद। आप लोग का भी चैनल है मीडिया से? कल खुला रहेगा? कल ही आएंगे, और संडे को भी बंद था। आप पहली बार आए हैं कि फिर आए हैं? पहली बार, हम भी पहली बार आए हैं, जबकि हम बगल में मेरा घर है फिर भी नहीं आए थे। अब यहाँ पे आए तो और पहले आना चाहिए था, और पहले आ रहा था, लेकिन हम ही थोड़ा सा आलस बना रहे थे। और अब आए हैं तो देखिए आज बंदे हैं, मतलब जतरा आज का खराब ही रहा। तो आप देख सकते हैं यही प्रियंका गुप्ता का टी स्टॉल है, वुमेंस कॉलेज के गेट पे ही इन्होंने लगा रखा है। इधर कॉलेज का गेट है, और यहाँ पे देखिए उनका स्लोगन है, पीना ही पड़ेगा। और नीचे लिखा हुआ है, लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, पीना ही पड़ेगा, इस तरह से इनका स्लोगन है। और ये देखिए कुल्हड़ चाय 15 रुपये, मसाला चाय 20 रुपये, पान चाय 20 रुपये, चॉकलेट चाय 20 रुपये, और कुकीज 10 रुपये, इस तरह से सबका यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। और आज तो बंद है, देखिए देखिए आसपास में बहुत ही कम ही लोग हैं, अगर दुकान खुली होती है तो बहुत यहाँ पर भीड़ रहती है। तो आप देख सकते हैं अभी मैं वापस जा रही हूँ, उनका स्टॉल है जो आज बंद है। और मैं फतुमा से आई हूँ यहाँ पे, और बहुत लेट हो गया, आज नहीं है, कल वो आएंगे तो देखते हैं, कल हो सकता है तो कल यहाँ पे आके मैं उनसे मिलूँगी, उनके चाय भी पीऊँगी। मैंने सोचा था कि एक कप मसाला चाय भी हो जाएगा, बट नहीं हो पाया और उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। तो कोई नहीं, ट्राई करते रहेंगे, कल या परसों में फिर से आएँगे। आप लोग भी चाय पीने के लिए आए थे कि आपका अगल बगल में घर है? अगल बगल मतलब कहाँ से आप लोग आए हैं? हम तो पास से ही आए हैं, फिर भी आज नहीं आवा, कितने दिन से लगाए हुए? क्या आज बंद है? शायद ईद है नहीं, इसलिए बंद होगा, ईद को लेके कॉलेज बंद है। हाँ, तो आप देख सकते हैं प्रियंका गुप्ता चाय वाली का स्टॉल है जो आज बंद है, और मैं आई थी उनसे मिलने के लिए, लेकिन मिलना नहीं हो सका। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि कल ये अपना दुकान ओपन करेंगी, तो कल या परसों फिर आऊँगी। अभी तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि बंद है, शायद ईद को लेके बंद है। किसी को उतना कुछ पता नहीं है, सब बोल रहे थे कि उनको बता के बंद करना चाहिए था कि कल बंद रहेगा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं आज बंद है, तो सब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ईद है, शायद इसलिए बंद होगा। और मैं भी आई तो उनके साथ मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, तो फिर आऊँगी कल या परसों में, तो आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊँगी उनसे। तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिएगा। तो आप देख सकते हैं प्रियंका गुप्ता चाय वाली का स्टॉल बंद है, आज ईद है शायद इसलिए, तो उनसे मिलना नहीं हो सका है। तो अब यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कल या परसों में आएंगे तो आप लोग से भी मिलवाएंगे। बहुत फेमस हो चुके हैं, ग्रेजुएट हैं और चाय बेचती हैं, तो यहाँ से भी चल रहे हैं, और ये वुमेंस कॉलेज है। तो चलिए ऊपर से मैं दिखाती हूँ कॉलेज आप सबको। तो देखिए दोस्तों, मेरे पीछे यही है वुमेंस कॉलेज, और यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ती हैं। वैसे तो ये फेमस था ही, लेकिन प्रियंका चाय वाली ने जब स्टॉल लगाया तो ये कॉलेज और भी ज़्यादा फेमस हो गया। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ यहाँ का कॉलेज। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का कॉलेज,
और ये देखिए प्रियंका चाय बाली का जो स्टॉल है वहाँ पे सामने, वहाँ मेन गेट है कॉलेज का, तो वहीं पे उन्होंने स्टॉल लगा रखा है यहाँ पे। और देखिए बहुत सारे लोग आके लौट भी गए क्योंकि वो मिल नहीं पाई, कल आएंगी, तो देखते हैं मैं कब आ पाऊँगी उनसे मिलने के लिए। तो चलिए इसी के साथ अभी चल रहे हैं घर। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई होगी ज़रा सी भी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और लाइक करने के साथ मेरी वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करके और मेरा सपोर्ट भी करिएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप सबके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।